उत्तर प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग डॉक्टर सोमेंद्र तोमर तारामंडल स्थित सर्किट हाउस के सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश पर ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य हो रहा है। 2017 से पहले ऊर्जा के क्षेत्र में बिजली उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ही कम आती थी। 2017 के बाद योगी सरकार ने सभी के लिए सामान्य रूप से पूरे प्रदेश में विद्युत आपूर्ति सभी के लिए किया। उन्होंने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ है, देश ही नहीं दूसरे देश के लोग भी उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में जो बड़े बदलाव हुए हैं, 12 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक समाधान दिवस के रूप में एक सप्ताह का अभियान चल रहा है, जिसमें सभी जिलों में 33/11 केवी के उपकेंद्र पर उपभोक्ताओं की सुझाव शिकायत अपनी समस्या को लेकर आ रहे हैं तथा अधिकारी उनकी समस्याओं को सुने और वहीं पर उनका समाधान किया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने कहा, सबसे पहले तो मैं अपने सभी जो समाज का एक मुझे लगता है कि आईना दिखाने का काम करने वाले प्रमुख स्तंभ भी है, मैं अपने सभी वरिष्ठ मीडिया जगत से जुड़े हुए हमारे सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करते हुए कि आप सभी के माध्यम से ऊर्जा के क्षेत्र में जो माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के दिशा निर्देशन में हम लोग काम कर रहे हैं, ऐसे कुछ बिंदुओं पर बात रखने का अवसर मुझे आपके साथ मिला है। 2017 से पहले ऊर्जा के क्षेत्र में आप लोग देखते होंगे कि बिजली उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी आती थी, कुछ ज़िले ऐसे थे जिन जिलों तक वो बिजली सीमित थी, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उत्तर प्रदेश की जनता का, उन देवतुल्य नागरिकों का जिनके आशीर्वाद के कारण 2017 में माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनी और सरकार ने समान रूप से सभी के लिए पूरे प्रदेश में विद्युत आपूर्ति सभी के लिए समान रूप से रहे ऐसा प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि 2017 के बाद ऊर्जा के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ, आज मुझे ये भी खुशी है कि हमारे देश ही नहीं बाहर के दूसरे देश के लोग भी निवेश करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। सभी व्यवस्थाओं को लेकर ऊर्जा के क्षेत्र में जो बड़े बदलाव हुए उन्हें लेकर आज हम लोग अभी जो आने का उद्देश्य है 12 से लेकर 19 सितंबर तक हम लोगों ने समाधान दिवस के रूप में एक सप्ताह पूरा हमारा ये अभियान चल रहा है, जिसमें हम लोग जिले जिले में 33/11 केवी के जो हमारे उपकेंद्र हैं उन पर जाकर जो समस्याएं आ रही हैं हमारे उपभोक्ता वहां पर आ रहे हैं, उनके सुझाव हैं, शिकायतें हैं, हमारे सभी विभाग के अधिकारी उनकी समस्याएं सुनकर उनका वहीं पर समाधान हो, यदि कुछ बड़ी समस्या है तो उसमें समय लग सकता है लेकिन उनका निराकरण हो, ये प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और मुझे खुशी है ये बताते हुए भी कि हम लोग थर्मल के साथ साथ सोलर एनर्जी पर भी उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। देश के सुशील प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की प्राथमिकता ऊर्जा है और ऊर्जा के क्षेत्र में हमेशा नए नए प्रयोग के साथ हम लोग अभी नए विंड एनर्जी के क्षेत्र में भी हम लोग कुछ पावर सेक्टर के लोगों से हम लोगों की बातें हुई, एक पूरे दिन का सेमिनार भी हम लोगों ने किया था जिसमें जो पावर सेक्टर के एक्सपीरियंस जो अनुभवी लोग हैं उन लोगों के साथ हम लोगों ने वार्ता करके ऐसे ही आगे अभियान को चलाने का प्रयास हम लोगों ने किया। बात किए कि हमारे जब वो उपभोक्ताओं से मैंने पूछा कि आपको किसी तरह कोई समस्या व्यवहार, तो उन्होंने अपने इसमें सहमति दी कि नई व्यवहार के रूप में अच्छे व्यवहार से हमारे साथ वार्ता हो रही है, तो मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। जी भैया, पहले तो सोलर एनर्जी पर बात करेंगे, हम लोग ऊर्जा पर तो अभी लोग करेंगे, सोलर को लेकर गोरखपुर में चाहे कुछ पहले बीडा में यह था कि भोपाल प्रोजेक्ट हो जाएगा, बताती या 50-100 करोड़ के आसपास का कोई राय इन्वेस्टमेंट सोलर एनर्जी को लेकर, क्या कुछ चल रहा है गोरखपुर में उसकी दिशा में? अभी हम लोग गोरखपुर में भी, और गोरखपुर में तो वैसे भी मैं सोलर के साथ साथ विंड एनर्जी पे भी अभी नई टरबाइन जो देश और देश से बाहर भी
जहाँ पर भी विकसित हुई है, हम उन नई टेक्नोलॉजी के साथ अपने उत्तर प्रदेश को भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सोलर में जो प्रोजेक्ट अभी हम लोगों को गोरखपुर से मिले हैं, अभी नोएडा विभाग उन पर पूरा अपना प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है और मुझे लगता है जल्दी हम लोग सोलर के क्षेत्र में आपको गोरखपुर में भी एक अच्छी खुशी की खबर आपको देखने को मिलेगी। आगे बढ़ी है नहीं बढ़ी? हाँ, वही मैंने कहा कि प्रोजेक्ट यहाँ से रिपोर्ट आ गई है, उस पर हम लोग अपना प्रोजेक्ट तैयार करके जो यहाँ से गया है उस पर वहाँ से जैसी समझती उस पर हम लोग काम शुरू कर रहे हैं। जब भी मैं कहूँ बिजली विभाग को छोड़ दीजिए, यदि हमें पता है कि किसी घर में कोई चोर छुपा हुआ है, उस चोर को पकड़ने के लिए जो प्रक्रिया पूरी करी जाती है वो इसमें करी जाएगी। मेरा निवेदन है, हम जब भी कोई सुविधा देते हैं, जैसे हम लोगों ने अभी आपने देखा होगा ठेली वाले हैं, उन लोगों के लिए भी हमने 10,000 रुपये दिए थे रोजगार शुरू करने के लिए। आप अच्छे से उस पर काम करेंगे तो 10,000 से 20,000 भी दिए हमने, 20,000 से 50,000 भी दिए, लेकिन कोई 10,000 रुपये लेने के बाद यदि काम ही ना करे तो 10,000 भी चले गए। देखिए, सुविधा देने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि उस सुविधा को पाकर हम लोग अपना काम ठीक से करें। देखिए, बिल जो निःशुल्क योजना में कनेक्शन देने का था, उसके बाद हम लोग यदि उसे कहीं ना कहीं उसका मुझे मिसयूज करते हैं तो देखिए जो सरकार की पॉलिसी है उसके अनुसार तो हम लोग काम करना पड़ेगा। ये योगी जी की सरकार है और योगी जी की सरकार में हर कोई अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र है। 19 बार हम लोगों ने दिया है, यदि किसी को कोई समस्या तो उस पर मैसेज भी डाल सकता। देखिए, फ़ोन पर हमेशा बात नहीं हो सकती, उसका कारण भी है। कभी कभी ये भी होता है कि हम लोग मीटिंग में हैं तो फ़ोन नहीं उठा पाते। मेरा आग्रह है यदि कहीं कोई ऐसा तो एक मैसेज ड्रॉप कर देना चाहिए हम लोगों को, वापस रेस्पॉन्स ना आए तो फिर हम लोग जब वो मिले। नहीं, मैंने कहा ना, मैंने उसके आगे भी कुछ कहा, यदि आपने ध्यान दिया, मैंने कहा कि यदि हम मीटिंग में हैं तो आपका यदि मैसेज उस पर आ जाएगा, नहीं तो मिस कॉल होगी, वापस कॉल करें हम लोग। देखिए, ये सरकार पूरे उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं की कमर तोड़ने का काम कर रही है। कहीं ऐसा विषय जो जानकारी में जैसा आपने दिया है वो आया है तो उन पर भी कार्रवाई होगी।